आई हूँ। हम ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के हम एग्जीक्यूटिव मेंबर है। यहाँ से हमारी महाराष्ट्र से भी सब महिला आई है, जेंट्स से ज़्यादा आए हैं, वहाँ से हर एक स्टेट के लोग आए हैं। ये ऑल इंडिया का है, सब स्टेट के लोग यहाँ आए। आपकी मुख्य मांगे क्या, किन मांगों को लेकर? हमारी पहली जो मांग है, जो नए लोग अभी लगे हैं उसको पेंशन बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में 2005 से नहीं है, कोई स्टेट में 2000 से नहीं, कोई स्टेट में 2008 से नहीं है। ये सब लोगों की हमारी मांगे हैं कि ये सब लोगों को नया पेंशन है ये मिलना चाहिए। दूसरा है, और एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। अभी स्टेट का जो है वो RTO है, इसमें जो प्राइवेटाइजेशन हो ये भी बढ़ रहा है, ये भी हमको ये नहीं चाहिए प्राइवेटाइजेशन। और दूसरी जो मांग है हमारी महिलाओं की, जो प्रेगनेंसी लीव है वो भी खाली हमको वहाँ 6 महीने है। सेंट्रल की 2 ईयर्स है, ये 2 ईयर्स की जो लीव है वो महिलाओं को हमको मिलना चाहिए। ये पहले हमारी महिलाओं की मांग है। हमने स्टेट को हर टाइम एप्लीकेशन देते हैं, आज करते हैं, ऐसा बहुत निवेदन देते हैं, लेकिन सरकार उस पर कुछ ही ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा महिला यहाँ ये 3 दिन के लिए इसमें मर्ज हुई है हमारी। और आज की जो हमारी जो मांगे, तो पहली जो मांगे है वो पेंशन, क्योंकि जो नए लोग लगे हैं उसको तो जब रिटायर होंगे तो खाएंगे क्या, इसके लिए उसको पेंशन चाहिए। ये पेंशन के बारे में हम आए हैं, प्राइवेटाइजेशन बंद करना चाहिए इसके लिए आया है। रिक्त पद हमारे महाराष्ट्र में 3 लाख पद नीचे है, खाली है, अभी तक वो पद भरे ही नहीं। और सरकार बोल रहे हैं नौकरी देने के लिए है पोस्ट खाली, तो भी सरकार नौकरी नहीं दे रही है। ये प्रमुख मांग के लिए हम सभी महिला महाराष्ट्र से हम आए हैं और सरकार से बर्खास्त करते हैं। अभी मैडम ने बोला है कि जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मकसद है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों दौड़ रही है सरकार? क्योंकि सरकार को मालूम है कि जो हम लोग पुराने लोग हैं उनको 25-30 हज़ार के ऊपर है, और प्राइवेट से जो इसमें लेते हैं जो कंट्रैक्ट ही वो 500 और 5 हज़ार 10 हज़ार में काम करते हैं, तो सरकार को वो फायदा है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि नए लोगों के, पुराने लोग आज इतने साल से काम कर रहे हैं उनका क्या, पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या, 2005 से लोग काम पे हैं लेकिन उनका पैसा कटिंग होता है DCPS में, लेकिन कहाँ जाता है वो किसको भी पता नहीं, वो पैसे का क्या है। वो इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग को पेंशन चाहिए, कि 2005 के बाद जो लगे उनको पेंशन मिल नहीं रही है। वैसे ही कंट्रैक्टीकरण जो है जो प्राइवेट सेक्टर ने भर दिए, तो हम लोग पुराने लोग क्या करेंगे? पुराने लोग को इतना साल से जो ये कर रहे हो तो उनको कुछ नहीं, मेहनत कर रहे तो उनको मुफ्त मिलना ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को यही चाहिए कि DCPS बंद करो और पुरानी पेंशन चालू करो और कंट्रैक्टीकरण पूरा बंद करो, यही चाहिए बस।